नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की शानदार जीत पर बुरी तरह से बौखलाई सानिया मिर्जा ने उगला जहर। भारत पर गंभीर आरोप लगा के डाली कुछ ऐसी बात सुनकर भड़क उठे हार्दिक पांड्या ने दिखाई ऐसी औकात जिंदगी भर रखेगी आज। जी दोस्तों, बात करेंगे इस बेहद बड़ी खबर की, देंगे आपको पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप गंवाने के बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप करे अपने नाम, तो वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इसके हम सब जानते हैं, फिलहाल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 ODI मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने घातक अंदाज में अपने नाम किया। दूसरे मैच को 8 विकेट से जीतकर टीम ने इतिहास बस दिया। इस मैच के लिए कुछ इस तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आई टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 3 बड़ी सफलता चटकाई और न्यूजीलैंड टीम को दबाव में डाला। इसके साथ ही न्यूजीलैंड टीम ने 34 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 108 रन बनाकर 109 रन का मात्र टारगेट इंडिया टीम के सामने रखा था। अब भारत के लिए 109 रन चेज करना कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। 109 रन चेज किए भारतीय टीम ने, 111 रन बनाए मात्र 20 ओवर में। इस मैच को अपने नाम कर लिया हिटमैन रोशमा ने 51, तो वही शुभमन गिल ने 40 रन का योगदान दिया। इस मैच के लिए 111 रन की पारी खेल इंडिया टीम ने इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया। इस मुकाबले में शानदार जीत के साथ ही जहां टीम इंडिया ने इतिहास तो रचा ही, लेकिन दूसरी ओर आपको बता दी कि इस मैच में शानदार जीत दर्ज करने के साथ ही टीम इंडिया ने इस मैच को तो अपने नाम किया ही, लेकिन सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। तीसरा वनडे मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा अब ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद T20 वर्ल्ड कप बेशक टीम इंडिया ने गंवाया हो, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप जीत के हौसले बुलंद हो चुके हैं। उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप जीत जाएगी, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद लगातार दूसरी ODI सीरीज इस साल अपने नाम की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सानिया मिर्जा जो जहर उगलती हुई नजर आई, उसने हर किसी को हैरान किया। सानिया मिर्जा ने मुकाबले की समाप्ति के बाद जहर उगल देने वाला बयान दिया। सबसे पहले सानिया मिर्जा ने कहा कि भारतीय सरजमी पर कोई भी मुकाबले जीतना भारतीय टीम के लिए काफी आसान रहा, ये कोई नई बात नहीं, ये पुराना चलता चला आ रहा है कि टीम इंडिया हमेशा ही अपनी सरजमी पर मुकाबलों को अपने नाम कर लेती है। लेकिन उम्मीद है कि वनडे वर्ल्ड कप इस बार भी गवाएगी टीम इंडिया, क्योंकि अभी टीम इंडिया के मुकाबले सिर्फ न्यूजीलैंड की खतरनाक नहीं बल्कि युवाओं की टीम से हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस टीम से बाहर थे, जिसके चलते भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत भी पाई। उम्मीद है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ बेशक टीम इंडिया जीत गई हो, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों से जीत नहीं पाएगा भारत। उस वक्त वनडे वर्ल्ड कप भारत में ही गवाएगा भारत। ऐसे में दोस्तों, सानिया मिर्जा के इस बयान को सुनने के बाद हार्दिक पांड्या, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, बुरी तरह से भड़क उठे। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस बार का वनडे वर्ल्ड कप किसी भी हालत में हम अपने नाम करेंगे और इस बात का मैं वादा करता हूं कि इस बार वनडे वर्ल्ड कप भारत में ही रुकेगा। बेशक आपको अपना मुल्क काफी प्यारा हो, लेकिन हमें भी अपना वतन काफी प्यारा है और इस बार हमारी प्रैक्टिस भी उसी जोरों से चल रही है। ऐसे में दोस्तों, सानिया मिर्जा का मुंह तोड़ते हुए नजर आए हार्दिक पांड्या। लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वनडे वर्ल्ड कप जीत पाएगा भारत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।